हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टूर गाइड में। आज के इस वीडियो में आपको मैं दुनिया के बहुत ही ब्यूटीफुल बीचेस के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, दुनिया भर में टूरिस्ट के लिए बीच हमेशा से एक अट्रैक्टिव प्लेस रहा है। भारत में भी गोवा से लेकर अंडमान निकोबार तक के बीचेस पर इंडियंस हो या फॉरेनर्स हो, दोनों ही तरह के टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। यदि आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं और समुद्र किनारे को देखना पसंद करते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 ऐसे ही बीचेस के बारे में बताऊंगी जिनकी खूबसूरती आप देखते रह जाएंगे। दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है शिपरेक बीच। इस बीच का नाम दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ प्लेन से उतरने के बाद बीच तक पहुँचने का रास्ता बोट से है। दोस्तों, बीच के खूबसूरत नज़ारे बोट पर सवार होते ही दिखने लगते हैं। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा यह बीच पर अलग अलग देशों से लोग एंजॉय करने आते हैं। एक तरफ जहाँ लोग पार्टी करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग यहाँ सुकून महसूस करते हैं। यहाँ रुकने से लेकर खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। दोस्तों, मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर आप सिर्फ 20 से 30 मिनट तक ही रुक सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बोट आपको वापस रिजॉर्ट ले जाएगी। रात के समय यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, तो फ्रेंड्स, इस अनोखे बीच में एक बार जरूर स्टे करिए। नेक्स्ट आता है सेकंड, व्हाइट हेवन ब्रिज, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। आपको बीच पर अगर दोस्तों अकेले घूमना ज्यादा पसंद है, तो इस बीच से बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती है। पूरे साल में यहाँ सिर्फ 290 दिन सूर्य की रोशनी आती है, बाकी सभी दिन यहाँ अंधेरा ही रहता है। दोस्तों, इस बीच को लोग ड्रीम बीच के नाम से भी जानते हैं। इसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग हेलीकॉप्टर या फिर शिप बोट से भी पहुंचते हैं। दोस्तों, और दूर दूर से यहाँ टूरिस्ट सिर्फ उगते हुए सूरज की रोशनी को देखना काफी पसंद करते हैं, तो यहाँ ये चीजें काफी लोग देखने आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी यहाँ एक बार जरूर जाइए। नेक्स्ट आता है पैरा डो सांचो। यह ब्रिज ब्राजील से कुछ दूरी पर है। दोस्तों, इसका नाम दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचों में से एक है। यहाँ पर घूमकर टूरिस्ट बताते हैं कि इस बीच की खूबसूरती हर रोज बढ़ती ही जाती है। दरअसल, इस बीच के निखार को बढ़ाती है यहाँ की पीली रेत, जो नीले पानी के साथ मिलकर इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। दोस्तों, आप अपनी छुट्टी को बेहतर और यादगार बनाने के लिए इस बीच पर जा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आता है बोल्डर बीच, जो कि साउथ अफ्रीका में है। इस बीच को बोल्डर के बे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे अच्छे सफेद रेत समुद्र तटों में होती है। यह एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों, क्योंकि 1982 में अफ्रीकन पेंगुइन की एक कॉलोनी वहां बस गई थी। यह बीच टेबल माउंटेन नेशनल पार्क का हिस्सा है। फ्रेंड्स, अगर आप भी यहां जाएं, तो पेंगुइन को निहारने के साथ साथ मस्ती भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आप स्विमिंग और फोटोग्राफी का भी आनंद आराम से ले सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आता है वादू बीच। दोस्तों, आसमान में तो आपने काफी सारे तारे देखे होंगे। क्या आपने कभी समुद्र में तारों को देखा है? और अगर नहीं देखा है, तो ऐसा ही नजारा आपको वादू बीच में देखने को मिलेगा। मालदीव के वादू आइलैंड पर मौजूद यह समुद्र रात के समय बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक दिखाई देता है। इस आइलैंड में रात को लाइट की रोशनी नहीं होती है, लेकिन इस नीले जादू से पूरा बीच जगमगाता रहता है। यहाँ बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नीले सितारे रात में समुद्र में गिर गए हो। दोस्तों, नेचर के इस अद्भुत नज़ारे को कोई ओशन ऑफ स्टार कहता है, तो कोई सी ऑफ स्टार। समुद्र में नीले स्टार दिखने का जो कारण है, दोस्तों, उसे प्राकृतिक और रासायनिक मानी गई है। दोस्तों, अगर आपको भी समुद्र के किनारे बैठना और शांत एनवायरनमेंट पसंद है, तो आप इस आइलैंड पर एक बार जरूर जाइए। इसके अलावा आप यहाँ नाव में बैठकर भी बीच की सैर कर सकते हैं। इस बीच के किनारे बहुत सारे होटल भी बने हुए हैं, जहाँ रुककर आप इन नज़ारों को देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे दुनिया में सिर्फ यही ऐसा बीच है जहाँ नीली रोशनी दिखाई देती है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा दुनिया में कितने ब्यूटीफुल तरह के बीचेस हैं और बहुत ही अनोखे भी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बीचेस बहुत पसंद है, तो आप एक बार यहाँ जरूर स्टे करिए। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।